हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एजी टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ। यूपी पुलिस 41,520 जो वैकेंसी 2018 में हो रही थी, इसमें जो जो भी हमारे सिविल के जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, उनका जहाँ पे जो JTC की लिस्ट है वो आज जारी हो चुकी है। और इसका लिंक जो है आपको मैं नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे ये लिस्ट पूरी की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से इसको तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रोल नंबर भी आप चेक करके अपना डिस्ट्रिक्ट चेक कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे JTC के लिए जाना है। तो ये बात तो सच हो गई दोस्तों कि अब ज्वाइनिंग जो है वो 29 तारीख से ही, 29 अप्रैल से ही होने वाली है। और आप इस पर अपना रोल नंबर या फिर अपना नेम जो भी डाल के चेक करना चाहते हैं आप जहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा आपकी ज्वाइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट है, आपको कहाँ पर JTC आपकी होने वाली है 1 महीने की, वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस पे एक बात और है कि इस पे जो लिस्ट पे जो नाम आए हैं वो यहाँ पे 23,200 समथिंग बच्चों का, यानी सबका लिस्ट है, वो चाहे मेडिकल में फेल हुआ हो या फिर पास हुआ हो, यहाँ पे सबके लिस्ट जारी हुई है। लेकिन उस पे एक इंस्ट्रक्शन नीचे लिखा गया है, वो आपको इंस्ट्रक्शन मैं आपको चल के आगे दिखा देता हूँ। तो इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर दोस्तों अपनी आज तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी जो कोई न्यू लेटेस्ट वीडियो होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये PDF जो है ये इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। होम डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको ये सब सारा मिल जाएगा, पूरा डिस्ट्रिक्ट का, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग बच्चों का जितना है वो सारे यहाँ पे कैंडिडेट निकाले गए हैं। तो आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे नीचे इंस्ट्रक्शन लिखा, हर एक पेज पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, तो मैं ये इसी पेज पर दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको जूम करके। JTC है तो अनंतिम रूप से जनपद आवंटन चिकित्सा परीक्षण चरित्र सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों के लिए ही प्रभावी होगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपका मेडिकल हो गया है, आप मेडिकल में पास हैं, आपका वेरिफिकेशन हो गया, वेरिफिकेशन पास है, तो आपके लिए ये प्रभावी होगा। यानी तब आपको जो डिस्ट्रिक्ट मिला है तो आप उस डिस्ट्रिक्ट में अपनी JTC को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये थी पूरी जानकारी। और आपको ये पूरा PDF चाहिए तो आपको मैं नीचे एक लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ अपना टेलीग्राम का। आप उस टेलीग्राम के लिंक पर जा करके यहाँ पे से इस पूरे लिंक को आप यहाँ पूरा जो फाइल है पूरी फाइल का फाइल आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और अपना और अपने साथियों का जिसका भी आपको देखना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है, कैसे है, वो सारा कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अब एक चीज़ तो क्लियर होगी कि आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो 29 अप्रैल से ही होने वाली। तो अब आप अपना जो तैयारी है वो पूरी कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि अब आप लोगों को 29 तारीख से निकलना है। और आज की वीडियो में बस इतना ही न्यूज़ था। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।